कैसे शुरू करें टॉयलेट क्लीनर बनाने का बिजनेस। टॉयलेट क्लीनर एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर दिन हमारे घर में टॉयलेट की सफाई के लिए किया जाता है, इसलिए आज इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है और बहुत सी कंपनी आज टॉयलेट क्लीनर का प्रोडक्शन करती है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती ही जाएगी। तो अगर आप भी कोई लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस देख रहे हैं तो टॉयलेट क्लीनर बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज हम आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आइए जानते हैं टॉयलेट क्लीनर बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कितनी जगह की होगी जरूरत? इस बिजनेस में जगह बिजनेस के स्तर पर निर्भर करती है। अगर आप छोटे स्तर पर एक मशीन के साथ शुरू करते हैं तो आप घर के एक छोटे से कमरे से भी शुरुआत कर सकते हैं। बड़े स्तर पर शुरू करने पर ज्यादा मशीन की जरूरत होगी, जिसके लिए आपको लगभग 200 से 500 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत पड़ेगी, जहां आप मशीन और रॉ मटेरियल रख सकते हैं। टॉयलेट क्लीनर बनाने के लिए रॉ मटेरियल: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड थिकनर, CTSE, एसिड कलर, परफ्यूम, पानी, पैकेजिंग के लिए डिब्बे। जरूरी मशीन: इस बिजनेस के अंदर मशीन की जरूरत प्रोडक्शन के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि छोटे स्तर में मैनुअल मशीन से काम चल जाएगा, लेकिन बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन की जरूरत पड़ती है। टॉयलेट क्लीनर बिजनेस के अंदर तीन प्रकार की मशीन आती है: मैनुअल मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक मशीन। कितना होगा इन्वेस्टमेंट? इस बिजनेस को करीबन 10,000 से लेकर लाखों रुपए तक शुरू किया जा सकता है, इसलिए आप अपने बजट के हिसाब से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन बड़े लेवल के बिजनेस के लिए बहुत सी चीजों पर अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जैसे जगह, मशीन, रॉ मटेरियल आदि, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगभग 2 से 4 लाख तक हो सकती है। टॉयलेट क्लीनर के व्यापार से लाभ: टॉयलेट क्लीनर के बिजनेस को शुरू करके आप अच्छा मार्जिन रखते हुए मुनाफा कमा सकते हैं। एक टॉयलेट क्लीनर की बॉटल की कॉस्ट लगभग 30 से 40 रुपए आती है और इसे मार्केट में करीब 60 से 70 रुपए में बेचा जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आप महीने का लगभग 20 से 30,000 रुपया कमाकर खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। कैसे करें मार्केटिंग? आज मार्केटिंग में पहले से बड़े बड़े ब्रांड्स अपना टॉयलेट क्लीनर बेच रहे हैं, इसलिए अपने नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हर बिजनेस के लिए मार्केटिंग सबसे जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में अगर किसी को पता नहीं है तो बिजनेस नहीं चलता है। आप अपने सामान के ऑनलाइन लिंक को शेयर करके ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। आप पैम्फलेट या आकर्षक पोस्टर के जरिए अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं। किन किन जरूरी लाइसेंसेस की आवश्यकता होगी? इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको GST नंबर लेना होगा और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। इसके साथ ही इस बिजनेस में केमिकल का इस्तेमाल होता है, तो बिजनेस शुरू होते ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात कर लेनी चाहिए, और अगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लाइसेंस लेने की जरूरत हो तो लाइसेंस भी ले लेना चाहिए, ताकि एक समय के बाद व्यापार में किसी तरह की कानूनी अड़चन न आए। मार्केट में अनेकों कंपनीज के टॉयलेट क्लीनर मौजूद हैं। इन सब के बावजूद आज मार्केट में टॉयलेट क्लीनर की काफी डिमांड है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का टॉयलेट क्लीनर तैयार करते हैं, साथ ही सही तरीके से इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, तो कुछ ही दिनों में मार्केट में अपना नाम बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आप भी आज ही शुरू करें अपना खुद का टॉयलेट क्लीनर बनाने का बिजनेस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, शेयर करें। ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए कमेंट पर जाकर हमें कमेंट जरूर करें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।